अगर आपका भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में किसी प्रकार का डाउट है तो आप ये नंबर सेव कर सकते हैं 8400 400 400, और इस नंबर पर क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत ही 10 सेकंड में आपको इसका आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, और इस ऐप के माध्यम से भी आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं जेईई मेंस की, और इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2020 और राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए कक्षा 10वीं विज्ञान और विज्ञान के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो विज्ञान का जो पहला प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा 2020 में कैसा आएगा, यानी विज्ञान का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम 2020 में भी आएगा, तो वो कैसा क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन होगा, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, तो सारा मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। और इसमें हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके मानव तंत्र यानी जो हमन सिस्टम वाला जो चैप्टर आपके चैप्टर नंबर 2 उससे आने वाला है, यानी जो पहला क्वेश्चन है बोर्ड का पहला क्वेश्चन है वो आपके मानव तंत्र यानी हमन सिस्टम वाले चैप्टर से आने वाला है। और कैसा क्वेश्चन होगा, किस तरीके का क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन आपके एक नंबर का पूछा जाएगा, यानी जो मानव तंत्र है हमन सिस्टम है उसका बोर्ड में जो पहला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आपके मानव तंत्र से आने वाला है और एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके 2020 में पूछे जाएंगे, और इनमें से ही आपके वो एक क्वेश्चन होगा जो बोर्ड एग्जाम 2020 में फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन पर आएगा, यानी पहला क्वेश्चन आपके इन्हीं में से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है आपके, फर्स्ट क्या है, मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग का नाम लिखिए। तो मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग का क्या नाम होता है, और साथ में आंसर भी है, और क्वेश्चन और आंसर की लैंग्वेज दोनों है, इंग्लिश में भी है प्लस हिंदी में भी है। तो राइट द नेम्स ऑफ द मेन एक्सटेरिक ऑरिजन ऑफ मैन, यानी जो मनुष्य है उसके मुख्य उत्सर्जी अंग का क्या नाम होता है। तो इसका आंसर मैंने अच्छे से लिख रखा है, किडनी। तो आपको याद करना है कि मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग का क्या नाम होता है, तो मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग का क्या नाम होता है आपके, किडनी। तो सभी बच्चों को याद रखना है, इसका आंसर आपके किडनी आएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए, कि अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है उसका नाम लिखना है, कौन कौन से हार्मोन है जो अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं। ओके, तो कौन कौन से ओवरीज हैं जो सेक्रेटेड रहते हैं जो अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं, तो वो दो हार्मोन आपके, एक तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन है आपके, एक तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है आपके प्रोजेस्टेरोन। याद रखना है सभी बच्चों को कि अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन एक तो होता है आपके एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। तो दो इनके आंसर हैं और दोनों ही आपको, दोनों हार्मोन आपको अच्छे से याद करने हैं, और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले जो आंसर हैं उनको याद करें। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए, कि जो पीनियल ग्रंथि है उसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। नेम द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड, जो पीनियल ग्लैंड है उसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन इसका आंसर हो जाएगा, मेलेटोनिन वो हार्मोन है जो पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, काइम किसे कहते हैं। अब काइम आपने सुना होगा आपकी बुक में है, 2 के चैप्टर में है, काइम क्या होता है, तो काइम की परिभाषा आपकी पूछी जा सकती है, काइम इज कॉल। ओके, काइम किसे कहते हैं, तो काइम का आंसर आपको यहाँ से लिखना है कि अमाशय का पाचक रस मिला हुआ और अमाशय मंथन से पिसा हुआ भोजन जो ग्रहणी में आता है, ग्रहणी में जाता है, उसे क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। यानी अमाशय का पाचक रस मिला हुआ, जो अमाशय मंथन से पिसा हुआ भोजन जो ग्रहणी में जाता है उसको क्या बोलते हैं, काइम कहते हैं। तो सभी बच्चों को काइम है ये याद होना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस आंसर को याद करें, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये प्लस हिंदी में लिखा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, काइल किसे कहते हैं। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि एक तो होता है काइम और एक होता है काइल, दोनों में काफ़ी अंतर है, और काइल किसे कहते हैं,
हु इज काइल, यानी काइल की परिभाषा आपको क्या लिखनी है। यदि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो काइल की परिभाषा आप क्या लिखोगे, तो उत्तर है आपका ग्रहणी से पीत रस व अग्नाशय रस मिलने के बाद जो भोजन जेजुनम में जाता है उसको क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। ग्रहणी से पीत रस व अग्नाशय रस मिलने के बाद जो भोजन जेजुनम में जाता है उसको क्या बोलते हैं, काइल, काइम कहते हैं। ओके, ये काइम नहीं है, ये काइल है। यहाँ पर देखो मैंने भी लिख दिया है काइम, ये काइम नहीं है। काइम की परिभाषा मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दी है, ये आपका है काइल। ओके, और ये आपके इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये आपके 5 क्वेश्चन थे जो मैं मुझे इम्पोर्टेंट लगे, और इनमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी जो पहला क्वेश्चन होगा आपका बोर्ड का, वो वाला क्वेश्चन इन्हीं में से आपके आने वाला है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।